जापानीज इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल के हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ से जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। और उनसे मिलने के बाद उनके चेहरे पर पूरा खरोच है, उसके बाद उनके हस्बैंड का भी चेहरे पर खरोच है, हेलमेट से मारा गया है। जब मैं बताई तो उन्होंने बताया कि 7 लोग थे और 7 बजे से 10:30 बजे तक के बीच में ये घटनाएं हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इनकी सुरक्षा क्यों नहीं किया। बाहरी इंजुरी ही पता चल रहा है, अंदर वाला बात सब तो डॉक्टर लोग देखेंगे, उसी के बाद होगा। निर्देश दिया गया जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। जानकारी जो मिली जिस प्रकार से उनके पास 7 घटना हुई स्पेनिश महिला के साथ, और उनको लोकल जो अस्पताल ले जाया गया था शायद मोटरसाइकिल से ले जाया, मैं ये जो जानकारी बताइए तो ये तो और ही दर्दनाक कहानी, ये बड़ा दुखद घटना है। और इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई वहां जितने भी पुलिस अफसर है एसपी से लेकर के थानेदार तक सबको सस्पेंड कर दें। जी जी, जब तक उनके ऊपर आप जवाबदेही नहीं फिक्स करेंगे तब तक ये कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। महिला के द्वारा हम लोगों को 7 लोगों के बारे में बताई गई है और सत्यापन कर रहे हैं, उतने लोगों की बात प्रकाश में आई है, अनुसंधान चल रहा है, जल्द ही इसमें हम लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करेंगे।